हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आप सबकी रिम्पी मैम, एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम थे CBSE के, वो कैंसिल हो चुके थे एंड 12th के पोस्टपोन्ड हो चुके थे कुछ टाइम के लिए। पर अभी तो आप लोगों के पास 2-3 महीने हैं, यानी कि 2-3 महीने तो आपके एग्ज़ाम होंगे नहीं, और हरियाणा बोर्ड के जो बच्चे हैं इसी टेंशन में रात गुजरी होगी कि अब हमारे बोर्ड एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, हरियाणा सरकार क्या करेगी, कैंसिल करेगी या ऑनलाइन एग्ज़ाम लेगी, पोस्टपोन करेगी नहीं करेगी, है ना। तो इतनी टेंशन मत लीजिए, और मैं आप लोगों को आज यही बताने के लिए आई हूँ। आप लोगों के मन में जो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं उनके जवाब देने ही आई हूँ आज। एंड अगर किसी बच्चे के मन में कोई और क्वेश्चन अराइज हो रहा हो तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं नई वीडियो अपलोड कर दूंगी आपको या आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। तो मैं आप लोगों को जो भी हरियाणा बोर्ड के बच्चे हैं बता देना चाहती हूँ कि आज जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं कंवर पाल गुर्जर जी, वो हमारे CM के साथ आज मीटिंग करेंगे, एंड मीटिंग के बाद जो भी डिसीजन लिया जाएगा मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगी। तो जो भी नोटिस आएगा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, मैं आप लोगों को उसके बारे में रूबरू करवा दूंगी। तो उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आप सबसे पहले कैसे देख पाओगे। और थोड़ा सा टाइम बाकी है बस, अभी थोड़ी देर बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद रिजल्ट आ जाएंगे एंड मैं आप लोगों को बता दूंगी कि रिजल्ट क्या रहे। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। और अगर कोई और भी क्वेश्चन अराइज हो रहा हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, आप लोग बेझिझक होके पूछ सकते हो। थैंक यू।